नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतान्विता योगा। आज का मेरा वीडियो है योगा फॉर एवरीवन। इसमें कुछ ऐसे बेसिक आसन हैं जो हर एज ग्रुप के लोगों को करने चाहिए। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके कोई इंजरी हुई है बॉडी में तो इन आसन्स को फ़िलहाल अवॉइड करें। जब ठीक हो जाए उसके बाद आप इन आसन्स की बेसिक प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे स्टैंडिंग आसन, खड़े होकर आसन। स्टैंडिंग आसन में हमारा पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आप दोनों पैरों को मिला लें और हाथों को अपने साइड में रखें। अब हाथों की हथेलियों को दोनों को क्रॉस करें और आसमान की तरफ या ऑपोजिट डायरेक्शन में इनहेल करते हुए आप ऊपर जाएं, अपने पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें और फिर टोस में आ जाएं। और वापस आने के लिए पहले हाथों को नीचे लाएं और पैरों को नीचे और फिर साइड में हाथ। इसी का ही दूसरा वेरिएशन है त्रयताड़ासन। दोनों पैरों को कंधे जितना या थोड़ा सा कंधे से और ज़्यादा, जिसमें आपका बैलेंस अच्छे से बन जाए, उतने डिस्टेंस पे खोल लें और उसके बाद फिर से हाथों को क्रॉस करें। इनहेल करते हुए हाथों की हथेलियाँ ऊपर और यहाँ से पहले हम जाएंगे अपने राइट साइड में। तो इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए जाएंगे अपने राइट साइड में। यहाँ पे कम से कम नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपको फिर से 20 से 30 सेकेंड अपनी पूरी साइड बॉडी को स्ट्रेच करना है। आप ये नोटिस करेंगे जब आप राइट साइड में बेंड हो रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड में स्ट्रेच आ रहा है। वापस सेंटर में और अब हम ऑपोजिट साइड में जाएंगे। इनहेल करेंगे सेंटर में और एक्सहेल करते हुए हम जाएंगे लेफ्ट साइड में। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आप लेफ्ट साइड में गए हैं तो आपके राइट साइड में स्ट्रेच आ रहा है और 20 से 30 सेकेंड यहाँ पे भी होल्ड करें और वापस नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स। स्टैंडिंग आसन में अब हमारा दूसरा जो आसन है वो है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए हम पहले राइट साइड से स्टार्ट करेंगे इसको। तो दोनों पैरों में कम से कम 5 से 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और यहाँ से पहले हम राइट साइड से करेंगे, राइट लेग से। तो हमें राइट फुट को टो को बाहर की तरफ निकाल देना है। हमारा जो राइट टो है वो बाहर की तरफ पॉइंट आउट रहेगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, और एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी आपको कि आपका जो ये पेल्विक एरिया है ये आपका सीधा रहे, ऐसे ना हो, ये सेंटर में ही रहेगा। तो अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको जो इसका पहला वेरिएशन है, आप नी को बेंड करेंगे अपने एंकल के ऊपर तक और ये पोर्शन आपका सीधा रहेगा। पीछे वाले पैर का पंजा, जो लेफ्ट लेग है, वो आपका पीछे सेम पोजीशन में मेंटेन रहेगा। तो उसको आपने एकदम स्ट्रेच करके रखना है। और यहाँ पे जब मैंने इस अपने राइट नी को बेंड कर लिया तो उसके बाद मेरे को अपने राइट हैंड को उस नी के ऊपर रख देना है। ये इसका पहला वेरिएशन है। तो लेफ्ट हैंड को मैं ऊपर ले जाऊँगी और यहाँ पे होल्ड करना है। और इसी का दूसरा वेरिएशन है, आप लेफ्ट हैंड को अपने सर के ऊपर से ले जाएं और यहाँ पे होल्ड करना है। कम से कम एक आसन की पोजीशन में 20 से 30 सेकंड का होल्ड आपको मेंटेन करना है। और इसी का ही तीसरा वेरिएशन है, जब आपको लगे कि आपके ये स्ट्रेच अच्छे हो गए हैं तो इसी में तीसरा वेरिएशन है, आप नी को एकदम सीधा कर दीजिए, राइट नी को,
और हाथ सीधा, ये इसका थर्ड वेरिएशन है। और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल। किसी को अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो इतने तक होल्ड कर सकता है। वापस आएंगे, नी को बेंड कर ले पहले, हाथों को सीधा रख ले वापस। अब सेम यही हमें लेफ्ट लेग से रिपीट करना है सीक्वेंस। तो लेफ्ट टो को हमने बाहर को पॉइंट आउट कर लिया, राइट फुट हमारा एकदम सीधे है, नी को बेंड कर लेंगे और पेल्विक एरिया का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं होना है, इसको सेंटर में ही मेंटेन करने की कोशिश करें। और नी को 90 डिग्री बेंड, आपके एंकल के ऊपर आपका नी, और यहाँ पे अपने एल्बो को रखेंगे, हाथ को सीधा ऊपर। इसी का दूसरा वेरिएशन, अपने सर के ऊपर से हाथ सीधा तान के रखेंगे। चाहे तो आप अपने आर्मपिट को देख सकते हैं या अपने हाथ को भी देख सकते हैं। और तीसरे वेरिएशन में अगर आपकी आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच अच्छा है तो आप तीसरे वेरिएशन में होल्ड कर सकते हैं। वापस आने के लिए नी को बेंड करें, हाथ को सीधे और वापस। ये है हमारा पवन मुक्तासन। तो इसके लिए पहले हमें राइट लेग से करना है। इनहेल करते हुए अपने राइट लेग को लाएंगे, नी को बेंड करेंगे, दोनों हाथों से अपने नी को पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे इसको अपनी तरफ पुश करें अपने हाथों से, और यहाँ होल्ड करेंगे। अब जब आपका पोजीशन अच्छे से मेंटेन हो जाए तो उसके बाद इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए ऊपर आने की कोशिश करेंगे। जितना आप आ सकते हैं, बहुत ऐसे करके नहीं आना है, आराम आराम से। और अगर कोशिश हो तो अपना माथा लगा के आपको होल्ड करना है। ब्रीथिंग आपकी नॉर्मल रहेगी, कम से कम आपको 20 से 30 सेकेंड इसमें होल्ड करना है। वापस, राइट लेग पीछे नीचे, सेम यही आपको रिपीटेशन अपने लेफ्ट लेग से करना है। नी को बेंड करेंगे, लेफ्ट नी को हाथों से लेफ्ट नी को पकड़ेंगे, यहाँ पे एक बार इनहेल एक्सहेल करेंगे, इनहेल और एक्सहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, गर्दन उठाएंगे, होल्ड करेंगे। वापस, अब यही सेम हमने दोनों पैरों से करना है एक साथ। दोनों पैरों के नीज को बेंड करेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल के साथ हम ऊपर उठेंगे। जितना आप ऊपर उठ पा रहे हैं आप उतने में ही होल्ड करें। 20 से 30 सेकंड तक आप होल्ड करें और उसके बाद वापस पहले अपनी गर्दन को पीछे ले जाएं और फिर अपने दोनों पैरों को आराम से नीचे ले जाएं। इस आसन को आप 2 से 3 बार रिपीट करें। अगला आसन है सुसीरंध्रासन, फिगर 4 स्ट्रेच। इसके लिए आपको क्या करना है, राइट नी को बेंड करें, लेफ्ट लेग के टो को राइट नी के ऊपर रखें और इसके बाद राइट नी को ऊपर लेके आए अपनी तरफ, पंजे को थोड़ा सा और ऊपर लेके आए और यहाँ पे आप स्ट्रेच करें।
सिंपल ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। जितना कोशिश करें दोनों हाथों से अपनी इनर थाई को आगे की तरफ पुश करें। 20 से 30 सेकेंड आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। अब यही सेम रिपीटेशन हमने दूसरे लेग से करना है, लेफ्ट लेग से। राइट लेग को ले जाएंगे नी के ऊपर अपने लेफ्ट लेग के, और लेफ्ट लेग को उठाएंगे, हाथों से पुल करने की कोशिश करेंगे अपने लेफ्ट नी को। आप देखेंगे कि आपके जो थाइज हैं उनमें बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे अपनी एंड वापस। अब हमारा अगला आसन है, नीज को बेंड करें, आनंद बालासन। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, दोनों पैरों के लास्ट एंकल को अपने कैच करेंगे, और जितना कोशिश कर सकते हैं दोनों पैरों को ओपन करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं अगर आपको शुरू में परेशानी है, लेकिन अच्छा डीप स्ट्रेच आपको आपके एंकल को पकड़ के ही आएगा। इसको हैप्पी बेबी पोज भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप कम से कम 20 सेकेंड रुकें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ एंड रिलैक्स। अगला आसन है पीठ के बल, वो है सेतु बंद आसन। इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों नीज को फिर से आपको बेंड करना है, जितना क्लोज आपके हिप्स के पास कर सकते हैं आप बेंड करें। उसके बाद हमें अपनी लोअर बैक को ऊपर उठाना है। आप अगर अपने टोस को कैच कर सकते, पकड़ सकते तो आप वो पकड़ें, अगर नहीं पकड़ सकते तो सिंपल हाथ साइड में रखें, ठीक है, और यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करें। कोशिश करें अपने लोअर बैक को जितना मैक्सिमम पॉसिबल आप ऊपर उठा सकते हैं, और आपके शोल्डर्स पे वेट आना चाहिए, आपके नेक पे वेट नहीं आना चाहिए। इस पोजीशन में कम से कम 20 से 30 सेकंड तक रहें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ एंड वापस रिलैक्स। 2 से 3 बार इस आसन को रिपीट करें। शवासन में रिलैक्स। भुजंगासन में हमने क्या करना है, हाथों को रखना है अपनी चेस्ट के पास, पैर पीछे से आपके दोनों मिले हुए हों पंजे। इनहेल करते हुए ऊपर उठना है, ऐसे उठना है कि आपके हाथों पे ज़्यादा वेट ना आए शुरू में। यहाँ पे होल्ड करेंगे कम से कम 10 से 20 सेकेंड, और थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे, आपकी एल्बोज बेंड ही रहेंगी, हल्का सा लोअर बैक से हम उठने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे होल्ड करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपकी लोअर बैक पे प्रेशर आ रहा है एंड वापस। इसी में इसका आसन, इस आसन का इजी एक वेरिएशन है। आप शुरू में जब आपको बहुत ही दिक्कत है तो आप पैरों को खोल सकते हैं, हाथों को थोड़ा सा आगे और रख सकते हैं, दोनों पैरों में कंधे जितना डिस्टेंस, और यहाँ से उठेंगे। तो आप देखेंगे कि आपने पैरों को खोल लिया है तो आपकी कमर पे कम जोर लग रहा है, तो यहाँ पे होल्ड करें, आप हाथों को सीधा रख लें और यहाँ पे 20 से 30 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं। कम से कम 2 से 3 बार इस अभ्यास को दोहराएं और वापस। पेट के बल में अब हमारा दूसरा आसन है धनुरासन। धनुरासन के लिए क्या करना है, आपने पैरों को कंधे जितना खोल ले, राइट नी को
बेंड करें और अपने राइट हैंड से एंकल को कैच करें या पकड़ें। सेम लेफ्ट नी को बेंड करें, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट एंकल से पकड़ें। इनहेल करते हुए अपनी चिन को फ्लोर पे लगा के रखें और इनहेल करते हुए आपको ऊपर उठना है, आगे से नेक को उठाना है और पीछे से लेग्स को उठाना है। अगर शुरू में आप इतना ही उठा पा रहे हैं तो इट्स ओके, सामने देखेंगे और होल्ड करेंगे। धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी तो आप थोड़ा सा और ऊपर उठाने की कोशिश करें, पीछे से पैरों को और आगे से चेस्ट और अपने नेक को हेड को होल्ड करेंगे यहाँ पे कम से कम 20 से 30 सेकंड का। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं आप, आगे पीछे भी अपनी बॉडी को रोटेट, ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। और वापस पेट के बल में रिलैक्सेशन के लिए मकर आसन है, तो मकर आसन में आपने कुछ नहीं करना है, आपने अपने दोनों एंकल्स को टोस को बाहर की तरफ रख देना है और हाथों को एक हाथ दूसरे हथेली के ऊपर और यहाँ पे या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आप रिलैक्स कर सकते हैं। अगला आसन है हमारा बैठ के आसनों में पहला आसन, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आप पहले वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों पैरों को फोल्ड कर लें, नीस को बेंड करें। उसके बाद वज्रासन में ही आपको खड़े होना है अपने नीस पे और नीस के बीच में शोल्डर जितना डिस्टेंस मेंटेन करें। पीछे से आपके पंजे फ्लैट रहेंगे। अगर शुरू में किसी को प्रॉब्लम है पंजे फ्लैट करके जाने में तो वो ऐसे होल्ड, ऐसे भी टोस के ऊपर भी बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने उष्ट्रासन में लोअर बैक से हमने जाना है, यहाँ से इनहेल करते हुए लोअर बैक से पहले बेंड होंगे। आप ये देखेंगे कि मेरी जो नेक है वो अभी पीछे नहीं गई है, सिर्फ लोअर बैक से जाएंगे। कुछ लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है पीछे जाने में, पीछे बैक के आसन करने में, तो वो सिर्फ इतना होल्ड करें बस लोअर बैक से। तो आपने देखा कि मेरी लोअर बैक आगे गई है और नेक मेरा सीधे ही है। अब क्या करना है, अगर आपकी लोअर बैक में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो हल्का सा पीछे जाएं, अपने राइट हैंड से राइट एंकल को कैच करें पकड़े, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट, मेरी नेक अभी भी सामने ही है, और जब आप अच्छे से अपना बैलेंस मेंटेन कर ले फिर आप पीछे जाएं और नेक को रेस्ट करें कम से कम 20 से 30 सेकंड यहाँ पे भी। वापस आने के लिए भी सेम, पहले आप अपनी नेक को आगे लेके आएंगे, फिर आप अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे रखें और फिर धीरे धीरे आप अपनी लोअर बैक से आगे आए। इसी के जस्ट नेक्स्ट सीक्वेंस में हम करते हैं इस आसन के बाद, वो है हमारा शशांक आसन। शशांक आसन के लिए आपको दोनों नीज को जितना आप खोल सकते हैं उतना ओपन कर लेना है और उसके बाद पंजे मेरे पीछे से फ्लैट हैं और उसके बाद मुझे धीरे धीरे अपने पाम्स से अपने आप को सपोर्ट देके आगे पुश करना है। कोशिश ये करनी है कि आपकी चेस्ट आपकी चिन रेस्ट करें नीचे फ्लोर पे। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इतने पे मेंटेन करें, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको रिलैक्स करना है, अपनी लोअर बैक को रिलैक्स करना है। ये रिलैक्सिंग आसन्स का भी एक आसन है शशांक आसन, जो आपके रिलैक्सेशन में बहुत हेल्प करता है। इसमें भी आप कम से कम 20 से 30 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं।
ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी इसमें भी। और वापस आने के लिए सेम हमने दोनों हाथों से धीरे धीरे वापस आना है। अब हमारा यहाँ से वज्रासन से नेक्स्ट आसन है बैठ के आसन, मार्जरी आसन। उसको हम कैट एंड काउ स्ट्रेच भी बोलते हैं, जो कि हमारे स्पाइन के स्ट्रेच के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी हमारे हैंड्स शोल्डर्स। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे लोअर बैक को नीचे, एक्सहेल करते हुए बैक ऊपर नेक डाउन, इनहेल चेस्ट अप बैक नीचे, एक्सहेल बैक अप नेक डाउन। इसको कम से कम आप 10 बार करें अप एंड डाउन। एंड रिलैक्स। अब हमारा बैठ के आसन में अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। पहले आप दंडासन में बैठ जाएं, आपकी कमर सीधी, पैर सीधे, हाथों को साइड में रखें। उसके बाद अपने राइट लेग को बेंड करें, यह आपकी ट्विस्टिंग का बहुत अच्छा आसन है। राइट लेग को बेंड करें, शुरू में आप सेम डायरेक्शन में ही रख सकते हैं और आपको कोशिश ये करनी है कि आपको अपने लेफ्ट हैंड से नी को पुश करना है, नी को पुश करें बस। अभी फिलहाल हिप आपका नीचे ही रहेगा, राइट हिप। पीछे से आप राइट हैंड का सपोर्ट ले सकते हैं और अगर आपका हाथ आपके पंजों तक जा पा रहा है, फुट तक, तो उसको होल्ड करें और यहाँ पे स्ट्रेच करें, पीछे देखें। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी। ये स्पाइनल ट्विस्टिंग का बहुत अच्छा आसन है, ये इसका सबसे इजी वेरिएशन है, तो स्टार्टिंग में आप इससे ही अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करें। 20 से 30 सेकेंड आप होल्ड करें और वापस आने में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप अपने चेस्ट को आगे लेके आएं और फिर धीरे से अपने हाथ को ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड में और लेग सीधे, हाथ वापस। सेम यही चीज़ हमने रिपीट करनी है अपने लेफ्ट लेग से। लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, लेफ्ट हैंड को पहले पीछे ले जाएंगे, अपनी कमर को ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे और एल्बो से अपने लेफ्ट नी को पुश करेंगे। जब इतना मेंटेन हो जाए उसके बाद अगर आप अपने फीट को पकड़ पा रहे हैं तो आप उसको पकड़ के स्ट्रेच करें और पीछे देखें। कमर आपकी सीधी रहेगी इसमें, कम से कम 20 से 30 सेकंड का होल्ड नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ और फिर धीरे से पहले अपनी गर्दन आगे लेके आएं, चेस्ट आगे लेके आएं, हाथ को वापस और हाथ वापस। हमारा आखिरी आसन जो बैठ के आसनों में है वो है हमारा पश्चिमोत्तान आसन। ये आसन आपकी लोअर बैक को बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस आसन में जाते हुए अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो एकदम से राउंड बैक कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको। कैसे जाना है इस आसन में, शुरुआत में अगर बैक उतनी स्ट्रेच नहीं है तो आप सिर्फ पहले इनहेल करें, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और एक्सहेल करते हुए धीरे से अपने दोनों पैरों को पकड़ें। आप सामने देखें, बस इतने में होल्ड करें अगर आप पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं। शुरू के 5 से 10 सेकंड यहाँ पे होल्ड करें, उसके बाद अगर आप जा पा रहे हैं तो अपने पैरों को पकड़ें
जितना आप आगे जा पा रहे हैं, बट आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी लोअर बैक पे ज़्यादा कर्व ना आए। यहाँ पे होल्ड करेंगे कम से कम 20 से 30 सेकंड। सामने देख सकते हैं, अभी आपको नेक को नीचे बेंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जैसे ही बेंड करेंगे तो आपके लोअर बैक में कर्व आने लगेगा, आपको स्ट्रेच करना है। जब आपकी ये स्ट्रेचिंग अच्छी हो जाएगी तो आप यहाँ पे होल्ड करें, नीज अपने हेड को नीज पे लगाने की कोशिश ना करें, रादर कोशिश करें कि आप अपनी लोअर बैक को स्ट्रेच करें, और इतने पे आप होल्ड कर सकते हैं। एक बार आपका लोअर बैक स्ट्रेच हो जाएगा, उसमें अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, तो आराम से आपके हेड आपकी नी पे लगने लग जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस ये करनी है कि मेरी ब्रीदिंग नॉर्मल है, तो आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करके ना रखें। बीस से तीस सेकंड ये आसन में रहे, उसके बाद वापस भी सेम तरीके से हमने आना है। पहले अपनी बैक को उठाना है और फिर वापस सीधे। ये थे हमारे कुछ बेसिक आसन। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे आने वाले योगा से रिलेटेड सारे वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आगे अपने लोगों के साथ शेयर करें। नमस्ते।